हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रीति आपका आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ स्लाइड्स बता देती हूँ, उनके कुछ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हैं अन अकेडमी के यूपीएससी के टॉपर्स। सेकेंड रैंक पर हैं जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो अन अकेडमी के टॉप, जो यूपीएससी के जो टॉप 20 रैंकर्स होते हैं उसमें से 7 रैंक जो हैं अन अकेडमी के होते हैं, और टॉप 50 में जो है 15 स्टूडेंट्स होते हैं अन अकेडमी के। आप देख सकते हैं रैंकर्स इन टॉप 50 में जो है ये अन अकेडमी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अन अकेडमी के थ्रू जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी। ये है आप यूपीएससी के एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं अन अकेडमी के थ्रू, उनके ऑफ़र हैं। ये है 9 मंथ का कॉम्बो, आप देख सकते हैं इनका जो है ये 45,675 रुपीज़ का जो है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस विद 10% डिस्काउंट है। ये ऑफ़र जो है 31 अक्टूबर तक है। ये 1 मंथ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, ये आपका पूरा कोर्स है। जीएस ऑप्शनल, आइकॉनिक जीएस एंड ऑप्शनल देख सकते हैं। ये अल्टीमेट सीरीज कॉम्बो आप देख सकते हैं, 20 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये है 45,000 का, जिसमें 21 टेस्ट होते हैं ऑप्शनल कोर्स के और 80 टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स मेंस सीरीज़ के। नेक्स्ट ये 3 मंथ का फेस्टिव कॉम्बो है, इंट्रोडक्टरी प्राइस 8,350 के साथ आपको इसमें डिस्काउंट्स मिलेंगे, जो कि 28 अक्टूबर को जो है लास्ट डेट है, आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। ये ऑप्शनल कार्निवल है जिसमें अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग टीचर्स जो होते हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन और जानकारी देंगे, जो कि 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह न्यू बैच शुरू हो रहा है 2021-22 और 23 के लिए, 20 अक्टूबर से नए बैच शुरू हो चुके हैं। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से होती रहे। ये है 2022 के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, और जो 2021 की मेंस की तैयारी के लिए भी क्लास शुरू हो चुकी है बैच 18 अक्टूबर से। ये लर्नर जर्नी 2022 बैच के लिए 7 महीने 7 मंथ 2 मंथ एंड 3 मंथ्स के लिए, आप देख सकते हैं इनके ऑफ़र को, इनके जो प्लान्स हैं आपको किस तरह से गाइड करेंगे। ये क्लास जो है 2022 की क्लास 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में। ये आप देख सकते हैं इनके अलग अलग कोर्स जो हैं और टीचर्स जो हैं इनके नेम्स हैं। 2023 का बैच 2 साल के लिए जो कोर्स हैं इनके, क्या आप देखते हैं अन अकेडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट है, जो कि 56 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है, जो 24 अक्टूबर को होगा 11 बजे से। आप इसमें अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। यह लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जहां आपको पर्सनल कोचिंग मिलती है, डाउट सॉल्विंग होती है, आपके एलटी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होते हैं, डेली राइटिंग आंसर राइटिंग होती है, आपको बताया जाता है कि किस तरह से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, और आपकी लाइव टेस्ट लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल सारे प्रोवाइड किए जाते हैं।
आप यूपीएससी के एग्ज़ाम अनअकैडमी के थ्रू कैसे चेस कर सकते हैं ये है। आप यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह अनअकैडमिक लेस्ट क्रैकेट। तो शुरू करते हैं हम आज की अपने करंट अफेयर की क्लास। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्लास क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आप अपने बुक्स और कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ नोट्स तैयार करने के लिए। नोट्स तैयार करते रहिए और हम देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल, 15 अक्टूबर। और आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करते रहिए हमारे साथ कि आपके कितने जवाब सही होते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर। विश्व भर में प्रत्येक साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। विकासशील देशों में करीब 43% महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं तथा खाद्य क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसका अन्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित करना भी है। दोस्तों, जो भी डेट्स होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि ये है 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। और अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की। आपके ऑप्शन हैं ए, तमिलनाडु, बी, बिहार, सी, पंजाब और डी, झारखंड। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए। और अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की। यह योजना उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गांवों के लाल लकीर के भीतर घरों में रह रहे हैं। लाल लकीर से तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसी भूमि का उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह योजना वंचित और ज़रूरतमंद तबके के लोगों सहित सभी लोगों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। तो अब हम देखते हैं, हम अपना अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है। और आपके ऑप्शन है हरमित देसाई, ऑप्शन बी कमलेश मेहता, सी साथियान ज्ञान शेखरन, डी पायस जैन। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि अब हम जब जवाब बताएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पायस जैन। भारत के उभरते टेबल टेनिस खिलाड़ी पायस जैन ने लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पायस जैन विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मानो ठक्कर ने हासिल की थी, जो जनवरी 2020 में अंडर 21 वर्ग में नंबर एक रैंकिंग पर काबिज हुए थे। पायस जैन दिल्ली के पहले खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है ये, चौथा सवाल,
बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी एम नाइट श्यामलन, ऑप्शन सी मृणाल सेन और ऑप्शन डी गणेश जैन। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करिए कि आपका जवाब हमारे साथ की सही है कि नहीं। और अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम नाइट श्यामलन। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के तौर पर भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार एम नाइट श्यामलन के नाम की घोषणा हुई है। श्यामलन हॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। उन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस, स्प्लिट और हालिया ओल्ड जैसी फिल्म का निर्माण किया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण का आयोजन 10 से 22 फरवरी को होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा अगला सवाल, पांचवा सवाल कि हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, सी चीन, डी रूस। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करिए कि आपका जवाब सही है कि नहीं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। चीन ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइडल व्हील का ग्लाइड व्हील का व्हीकल का जो है परीक्षण किया है, अपने लक्ष्य की जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का चक्कर लगाया। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में इनकी गति धीमी होती है, किंतु उन्हें अवरोधित करना और ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो स्टूडेंट्स आप हम तैयारी कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, मैं ऐसा करती हूँ और अब देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों PSU को राष्ट्र को समर्पित किया है? और ऑप्शन है 10, 7, 4 और 3। आप अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भरता की स्थिति प्रदान कर एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। केंद्र सरकार ने 4 दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB को भंग करने का आदेश दिया और 7 नई राज्य स्वामित्व कंपनियों के तहत 41 फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा हार्डवेयर से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक का निर्माण किया है। तो स्टूडेंट्स आज ही यहीं से हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने नोट्स अच्छे से तैयार किए होंगे और आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी और आपके कई सारे जवाब सही होंगे। और आपको जो भी अगर किसी विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने सवाल पूछते रहें। और आपको UPSC की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट और धन्यवाद।